Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. I'm here with you with lecture number 6 of business communication. Last time, as you remember, in lecture number 5, we discussed business communication, 7 C's of the communication and how the business goes about. Wo 7 C's aapke kis tarah se documentations mein aur aapke wordings mein use hote hain. Consideration, correctness, concreteness, courtesy, ye sab aapne last time dekhe. Now in this lecture we are going to discuss 7 C's of communication design. Now communication design is something different. Jaise ke aap presentations dete hain ya apne aap ko present karte hain in front of somebody, that is another thing entirely. एंड जिस तरह कैजुअली आप बात करते हैं वो एक और चीज़ होती है, लेकिन जब फॉर्मली किसी को कोई ऑर्गेनाइजेशन में आप प्रेजेंटेशंस दे रहे हों, कोई बात कर रहे हों, कोई चीज़ प्रोजेक्ट समझा रहे हों और उसकी समरी दे रहे हों और उसके लिए एक्सप्लेनेशंस कर रहे हों, तो वो सारा कुछ कम्युनिकेशन डिज़ाइन होता है. सो लेट्स कंसिडर दी 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन डिज़ाइन. दे आर अ लिटिल डिफरेंट from 7 C's of business communication जो हमने last time किया था. 7 C's of communication design. When your communication is important, that is when you want it to be remembered. आप चाहते हैं कि आपकी जो बात है वो याद रखी जाए, उसको as a conversation ना लिया जाए, as a communication लिया जाए. What is the difference between the two? Conversation is something else जो कि आप डे टू डे करते हैं और आप उसको भूल भी सकते हैं. आज मौसम ऐसा था या आज हमने यू नो हम बाहर गए, हमने डाइन आउट किया, इस तरह की चीज़ें जो कि मेमोरी मेमोराइज़ करनी ज़रूरी नहीं होती, मेमोरी में ले जानी ज़रूरी नहीं होती. दे आर नोन एज कॉन्वर्सेशन, जो आप जनरली बात करते हैं. कम्युनिकेशन डिफरेंट हो जाती है, उसमें आपको रिज़ल्ट चाहिए, रिस्पॉन्स चाहिए, फीडबैक चाहिए, एनकोडर चाहिए, डिकोडर चाहिए. सो अगेन वही सारी चीज़ें आपके साथ साथ चलेंगी थ्रू आउट दीज लेक्चर्स. वी विल रिकॉल, वी विल कम बैक टू आर डेफिनेशंस एंड वी विल गो बैक एंड फोर्थ इन आर डिस्कशंस. तो कम्युनिकेशन वो होती है जिसमें कोई मैसेज कन्वे किया जाए और आप चाहते हैं कि दैट शुड बी रिमेंबर्ड बाय पीपल. सो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है. यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू थिंक ऑफ सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस, ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस, प्रेजेंटेशंस कैसी हैं, हाउ यू लुक, हाउ यू ड्रेस अप, आपके वर्बल्स, आपके नॉन वर्बल्स, ऑल दीज थिंग्स आर देयर. सो यू नीड टू थिंक केयरफुली एंड डिजाइन इट टू रेजोनेट विद योर इंटेंडेड ऑडियंस. सो आपने प्रेजेंटेशन या कोई अपना काम, अपना कोई प्रोजेक्ट जब प्रेजेंट करना है एंड यू वांट पीपल टू रिमेंबर इट एंड इट शुड बी केयरफुली डन सो दैट आपके जो ऑडियंस हैं वो उसको एंजॉय करें और उससे कुछ लर्न करें. जैसे फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई एम डिस्कसिंग दीज पॉइंट्स विद यू. मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे लेक्चर्स को समझें भी, याद भी रखें और इंटरेस्ट से और इन्जॉयमेंट से उनको सुने भी. सो ऑल दीज थिंग्स आई हैव टू कीप इन माइंड विद माई प्रेजेंटेशन. सो ये कम्युनिकेशन डिज़ाइन के 7 सीज राइट नाउ आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर मी एंड हाउ आई एम आई गोइंग टू यू नो इनकल्केट देम इन माई लेक्चर, ये मैं आपको अभी बताती हूँ. डिज़ाइनिंग योर कम्युनिकेशन एज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस, ये एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है बिकॉज इसमें आपको दूसरे शख्स का रिस्पॉन्स मिल रहा है एंड वेदर दे लाइक इट तो वो उनका एक्सप्रेशन आ जाएगा, वेदर दे आर बोर्ड वो भी एक्सप्रेशन आ जाएगा, वेदर दे आर इंजॉइंग इट वो भी अच्छा एक्सप्रेशन आ जाएगा, वो किसी चीज़ के लिए लेट हो रहे हैं वो भी एक्सप्रेशन आ जाएगा. तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं. इट बिगिंस एट अ हाई लेवल विद गुड क्वेश्चंस एंड गुड लिसनिंग एंड एंड्स इन डिटेल्स कंस्ट्रक्टिंग अ प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंट, सिस्टम और यूजर
experience. So you see, it contains all these things. Good questioning. ज़ाहिर है जब आप अच्छी तरह से कोई चीज़ सुनेंगे तो आपके जहन में बहुत सारे questions भी आएंगे. If you are not listening carefully, you are unable to ask appropriate logical questions. It ends in details. उसका ख़त्म भी एक जो है वो अच्छी तरह से डिटेल में होता है. कंस्ट्रक्टिंग अ प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंट, सिस्टम और यूज़र एक्सपीरियंस. सो प्रेजेंटेशन कंस्ट्रक्ट करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. आपकी कितनी प्रेजेंटेशन जो है वो क्लियर है इन वर्डिंग्स, वर्ड्स की स्पेसिंग क्या है, कोई अनड्यू चीज़ें तो नहीं उसमें, फिगर्स तो नहीं आ रहे जो कि ज़रूरी नहीं है. एंड दे कैन बी कट आउट, दे कैन बी पोस्टेड समवेयर एल्स. ये सब चीज़ें, डॉक्यूमेंटेशन वेरी इम्पॉर्टेंट कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपका ऑफिशियल हो, ऑथेंटिक हो, उसकी वर्डिंग्स प्रोफेशनल हो. ऑल दीज थिंग्स विल कम्बाइन इन टू अ गुड कम्युनिकेशन डिज़ाइन. यू कैन इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन बाई थिंकिंग अबाउट 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन डिज़ाइन. द 7 C's ले आउट अ सिंपल सीक्वेंस विच कैन हेल्प यू स्टार्ट ब्रॉडली एंड वर्क योर वे डाउन टू स्पेसिफिक्स. यानी कि कम्युनिकेशन डिज़ाइन इस तरह से शुरू होगा और ऐसे स्पेसिफिक्स पे चला जाएगा. इट विल कंटिन्यू एंड इट विल शो यू वेयर यू आर, वेयर यू नीड सर्टन असिस्टेंस, वेयर यू नीड टू थिंक अबाउट योर प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्ट अगेन, कहाँ पे आपको उसको थोड़ा सा केयर करनी है. ये सब चीज़ें विल, ऑल दीज थिंग्स विल कम इन इन योर कंसिडरेशन. कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट मीन्स कि किस सिनेरियो में बात हो रही है. लाइक व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या चीज़ हो रही है, कौन सा प्रोजेक्ट है, व्हाट आर द कंसर्न्स, व्हाट आर द इश्यूज. लाइक परहैप्स बिल्डिंग अ डैम. अब डैम बिल्डिंग में क्या चीज़ है आपको कंसिडर करना है कि लोग जो हैं वो कितने लोग विलिंग हैं, क्या वहाँ पे कोई आबादी है, आर इज इट अ रेजिडेंशियल एरिया विच माइट बी अफेक्टेड, या उसके लिए हमें क्या चीज़ें सोचनी है. तो कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कार पार्किंग बनानी है अपने ऑफिस के लिए. अब किस तरफ बनेगी, कैसे बनेगी, वो सारी कॉन्टेक्स्ट, वो सारा सिनेरियो आपके सामने आएगा और उसके अकॉर्डिंगली यू विल बी डूइंग योर वर्क. डू यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, क्या आप सिचुएशन को समझ रहे हैं, क्या सिचुएशन फीजिबल है, डू यू हैव द फाइनेंसेस फॉर इट, डू यू हैव द ग्राउंड्स फॉर इट, क्या आपने लैंड ले लिया है. ये सब चीज़ें सिचुएशन पे आएंगी. क्या आपको कंस्ट्रक्शन अभी करनी चाहिए या कुछ अरसा बाद. दीज आर द थिंग्स यू आर गोइंग टू थिंक ऑफ. इज देयर अ डेड एलिफेंट इन द मिडल ऑफ द रूम दैट यू आर नॉट अवेयर ऑफ. कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके सामने ही पड़ा है और आप उसको देख ही नहीं रहे. लाइक फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल प्रॉब्लम है. वेन यू डूइंग दैट यू आर कंसिडरिंग अ प्रोजेक्ट और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं जिनको कि आप कंसिडर ही नहीं कर रहे, तो वो प्रोजेक्ट की प्लानिंग कहाँ जाएगी, हाउ इज़ इट गोइंग टू वर्क, बिकॉज यू डोंट हैव द फाइनेंसिस फॉर इट. सो वो एक बड़ा सा डेड एलिफेंट जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वो तो आपके सामने है और आप चलें प्रोजेक्ट करने के लिए, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल. So think about these things, think about these context, think about the things which are going on, aur phir aapko picture clear ho jati hai. Ask good questions. Achhe questions zarur puchhiye because they will clear your mind, they will clear your concept, they will clear your idea about a certain thing, about a certain project, about a certain situation. इन सब चीज़ों के लिए क्वेश्चनिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्वेश्चंस लॉजिकल होने चाहिए,
they should be in a sequence. And remember कि जब आप अपना होमवर्क करके गए होंगे, अपनी स्टडी करके गए होंगे, तो आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी. यू विल बी अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन. सो द फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज गोइंग ऑन, इसके बारे में सोचें और अपने आप को क्लियर करें, अपने क्वेश्चंस को राइट देम डाउन, मेक योर पॉइंट्स, मेक योर थिंग्स वेरी वेरी क्लियर. ये सब चीज़ें करने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि आपने कितना काम किया है. यू विल नीड अ क्लियर गोल बिफोर यू बिगिन टू डिज़ाइन एनी कम्युनिकेशन. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने प्रेजेंटेशन देनी है फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट. सो यू हैव टू क्लियर योर गोल्स दैट व्हाट एम आई गोइंग टू अचीव, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन कम इनटू माय ऑडियंसेस माइंड. आपको अपने ऑडियंस का एनालिसिस देना पड़ेगा कि वो किस तरह से वो इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे और उनके जहन में क्या सवाल आ सकते हैं. सो व्हेन यू आर डूइंग दैट ओनली देन यू आर मेकिंग योर प्रेजेंटेशन लॉजिकल एंड यू आर मेकिंग योरसेल्फ वेरी सेफ. आप बहुत सेफ हो जाएंगे, आप बड़े क्लियरली किसी भी सिचुएशन से निकल जाएंगे अगर आपके पास क्लियर, गुड, प्रिसाइज नॉलेज है. आस्क हु आर यू टॉकिंग टू एंड व्हाट डू यू वांट देम टू डू. आप अपने सीईओ से बात कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर से बात कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? डू दे नो द प्रोजेक्ट? डू दे नो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन इट? डू दे नो कि आपको फाइनेंशियल इश्यूज पहले ही हैं और आप एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं विच मे बी सक्सेसफुल और विच मे नॉट बी सक्सेसफुल. सो ये काम आप कैसे करेंगे एंड व्हाट डू यू वांट देम टू डू. आप उनको कन्विंस करेंगे ना अपने प्रोजेक्ट के लिए. सो हाउ विल यू कन्विंस देम? सो दीज क्वेश्चंस, हु आर यू टॉकिंग टू, कौन लोग हैं, हु आर योर टारगेट ऑडियंस एंड व्हाट डू यू वांट देम टू डू. आप रिजल्ट्स क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं आपके टारगेट ऑडियंस हैं आपके कस्टमर्स, पोटेंशियल बायर्स. आप अपनी प्रोडक्ट को किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे कि वो सक्सेसफुल हो जाए और वो लोग ख़रीद लें? दे शुड स्विच फ्रॉम अदर प्रोडक्ट टू योर प्रोडक्ट. कैसे होगा ये? हाउ आर दे गोइंग टू डू दिस? सो ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन योर कॉन्टेक्स्ट. पूरा सिनेरियो डिस्कस करना और सोचना, उसको देखना बड़ा ज़रूरी है. एंड वन थिंग वेरी इम्पॉर्टेंट इज़ यू हैव टू बी इन योर समटाइम्स इन योर ऑडियंसेस रोल ऑल्सो. आपको खुद ही अपने रोल्स चेंज करने होंगे कि आई एम प्रेजेंटिंग दिस थिंग, व्हाट आर द ऑडियंस थिंकिंग. उनके लिए भी आप ही सोचेंगे एंड देन यू विल नो ओनली द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस. तो कहाँ गलती है वो भी आपको उसी वक्त समझ आएगी जब आप उनका रोल प्ले करेंगे. सो रोल प्ले इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. लाइक फॉर एग्जाम्पल, वी आर प्रोड्यूसिंग शैम्पूस, तो हम क्या चाहते हैं कि लोग जो हैं वो उनके बाल अच्छे हो जाएं, उनके बाल सिल्की हो जाएं. यू सी, वी आर थिंकिंग ऑफ पीपल. प्रोडक्ट इतनी एक्सपेंसिव भी ना हो, उसकी फ्रेग्रेंस भी अच्छी हो, लोगों को पसंद आए. People should go for it. People should switch from their own shampoo to the shampoo which is being introduced now. तो ये सब चीज़ें आप ही को सोचनी हैं. And this is what business communication is all about. That you think for your company and you think for your clients, क्योंकि वो भी आप ही के लोग हैं. So context में ये सब चीज़ें आ जाएंगी. I hope things are clear to you. We go to number two, which is the content. अब content क्या है? Contents हैं आप उस चीज़ में क्या क्या चीज़ें include कर रहे हैं उस project में जो जिसकी के presentation आप देने जा रहे हैं. Based on your goal, define a single question that your communication is designed to answer. Like for example, ये product है, user friendly है.
इसमें बहुत सारे फीचर्स नहीं हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन बहुत टेक्निकल सा गैजेट नहीं है. इट इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली एंड इट इज़ फॉर द यूज़ ऑफ कॉमन पीपल. आराम से लोग उसको यूज़ कर सकते हैं. इसमें कोई एडेड फीचर्स नहीं है. वेरी सिंपल एंड वेरी यूज़फुल फॉर कॉमन यूज़. सो ये आपने सिंगल क्वेश्चन डिफाइन किया. योर कम्युनिकेशन विल डिपेंड ऑन दिस क्वेश्चन एंड द आंसर टू इट. ओके, प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, कलरफुल भी है, फीचर्स भी अच्छे हैं और यूज़र फ्रेंडली भी है. दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल मेजर ऑफ कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस. When you are in your client's place or when you are in the decision maker's place, तभी आपको समझ में आता है कि communication अच्छी हुई है या बुरी हुई है. So you will be judging at the end of the day that how did I work out the situation. Effective थी या नहीं थी. What do you want your audience to walk away with and remember? आप क्या चाहते हैं आपके ऑडियंस क्या याद रखें. हाउ दे शुड कोऑर्डिनेट विद यू, किस तरह से वो आपके साथ कोऑपरेट करेंगे और क्या चीज़ वो याद रखेंगे. हाउ आर दे गोइंग टू व्हाट आर दे गोइंग टू रिमेंबर एंड हाउ आर दे गोइंग टू अचीव इट. सो कमिंग टू शैम्पू, उनको इतना अच्छा आप एक वर्डिंग दें, आप एक इमेज बिल्डिंग वर्ड उनके साथ यूज़ करें कि वो आपके प्रोडक्ट को याद रख सकें. दे शुड रिमेंबर इट एंड व्हेन दे गो आउट दे रिमेंबर दैट दे हैव टू यूज़ हेड एंड शोल्डर और दे हैव टू यूज़ सन सिल्क और दे हैव टू यूज़ पर्ट प्लस. इनमें से कौन सा शैम्पू वो यूज़ करेंगे. Once you have defined your prime question, set out to answer it. फिर जब आपका prime question बन जाता है तो आप उसको answer करते हैं. क्या आप बताएंगे कि आपके जो product है वो किस तरह से useful हुई है. People have liked it in which manner. Perhaps the cover of the shampoo bottle is good. वो अट्रैक्टिव सी एक बॉटल है, अच्छी सी है, इजी टू हैंडल है और डिफरेंट साइजेस में है. सो क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, प्राइस क्या है, किस तरह ये प्रोडक्ट आपके लिए अवेलेबल होगी फॉर कॉमन पीपल, प्राइस रेंज उसमें क्या है एंड किस तरह से वो आपको अफेक्ट करेगी, ये सारी चीज़ें आप डील करेंगे. Do you have the answer already or do you need to search it out? So before going on to your presentation, aapke paas in sab questions ke jawab hain or you have to search out, you have to do a survey to know ke log kya cheez prefer karte hain, log kya cheez pasand karenge, kaisa color unko chahiye, kaisi fragrance unko chahiye एंड उनकी प्राइस रेंज क्या है, व्हाट इज़ द सोशल एंड कल्चरल वैल्यू अटैच्ड, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे. अगर आपने पहले से ये आंसर नहीं दिया हुआ तो आपको अब ये आंसर करना होगा बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग योर प्रेजेंटेशन. कॉम्पोनेंट्स, अब आपकी प्रेजेंटेशन में कॉम्पोनेंट्स क्या क्या हैं, यू नीड टू डिवाइड देम, यू नीड टू डिफाइन देम, यू नीड टू नंबर देम और बुलेट देम और एरो देम, वॉट एवर, लेकिन आपको कॉम्पोनेंट्स क्लियर होने चाहिए. बिफोर यू बिल्ड एनीथिंग, ब्रेक डाउन योर कॉन्टेंट्स इन टू बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कंटेंट. बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, वही एग्जाम्पल हम लेंगे कि हेयर फॉल सोल्यूशन. Now that is the component, that is a basic building block. Okay, we are using hair fall solution shampoos for people.
तो जिन लोगों के लिए हम ये कर रहे हैं वो कौन से टारगेट ऑडियंस हैं, व्हाट वुड दे प्रेफर, हाउ ऑफन इट शुड बी यूज्ड, कंटेंट्स उसके क्या हैं, कंपोनेंट्स उसके क्या हैं, ऑल दोज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड हेयर इन पॉइंट नंबर 3. फॉर्मुलेट द इंफॉर्मेशन इनटू क्लस्टर्स एंड ग्रुप्स. आप अपनी इंफॉर्मेशन को क्लस्टर और ग्रुप में फॉर्मुलेट करें. हाउ क्लस्टर मीनिंग के दो तीन पॉइंट्स इकट्ठे विच आर इंटर रिलेटेड, लाइक हेयर फॉल सोल्यूशन है तो उसके अंदर आपको हाउ फ्रीक्वेंट यू हैव टू यूज़ दिस शैम्पू, व्हेन यू शुड नॉट यूज़ दिस शैम्पू, ये दो तीन चीज़ें क्लस्टर में आंसर करें. और फिर ग्रुप्स में, देन इन ग्रुप्स के दिस इज़ अ शैम्पू फॉर योर यू नो कन्वीनियंस फॉर द एज अ हेयर फॉल सोल्यूशन, दिस हैज़ बिन टेस्टेड हेयर एंड देयर, इस कंपनी ने उसको टेस्ट किया, इन लोगों ने यूज़ किया एंड दीज आर देयर व्यूज, सो वो ग्रुपिंग्स हो जाएंगी. सो क्लस्टरिंग एज वेल एज पुटिंग थिंग्स इन इन ग्रुप्स, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू मेक इट वेरी वेरी यूजफुल. यू विल सी वॉट पैटर्न्स इमर्ज, कौन से पैटर्न्स इमर्ज करेंगे, कि क्या चीज़ कहाँ पर फिट आ रही है, कौन सी चीज़ किधर अच्छी लगेगी, वो आप देख सकेंगे. हाउ कैन यू मेक द इंफॉर्मेशन मोर मॉड्यूलर, इंफॉर्मेशन मॉड्यूलर कैसे बन सकती है, मीनिंग के उसको एक नटशेल में किस तरह से आप पोर्ट्रे कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन इज ईजी टू ग्रास्प, एक अच्छी इंफॉर्मेशन आप किस तरह दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू मेक ब्रोशर्स फॉर योर सर्टन प्रोडक्ट्स, तो उसके लिए आप क्या हाईलाइट करेंगे, क्या चीज़ थोड़ी सी बैकग्राउंड में चली जाएगी, व्हाट इज़ गोइंग टू बी इन द फ्रंट, इन द फोर फ्रंट, व्हाट कलर्स यू आर गोइंग टू यूज़, हाउ अट्रैक्टिव यू कैन मेक मेक द ब्रोशर, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन फॉर्मुलेट करेंगे और मॉड्यूलर बनाएंगे. गिवन योर गोल, व्हाट इज़ द मोस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, सो यू विल थिंक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका फंडामेंटल यूनिट है इंफॉर्मेशन का वो क्या है. प्रॉब्ली इट इज़ द इंटरनेट, प्रॉब्ली इट इज़ द टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट्स, मे बी इट इज़ द ब्रोशर्स जो आप पैम्फलेट्स फेंकते हैं इन द हाउसेज, घरों में आप पैम्फलेट्स आपको आते होंगे ऑब्वियसली अबाउट न्यू रेस्टोरेंट या कोई न्यू प्रोडक्ट या ब्यूटी पार्लर्स और इवन दीज कोचिंग सेंटर्स, इन सब के प्रोडक्ट्स, इन सब के आपको ब्रोशर ज़रूर आते होंगे. यू कैन यूज़ इंडेक्स कार्ड्स टू ब्रेक डाउन इंफॉर्मेशन इनटू मॉड्यूल्स. नाउ यू हैव टू गिव अ प्रेजेंटेशन इन योर ऑफिस, इन योर ऑर्गेनाइजेशन, आपको इंडेक्स कार्ड्स बना लेने चाहिए. इंडेक्स कार्ड्स आर स्मॉल कार्ड्स जिन पे आपने पॉइंट्स लिखे होते हैं इन बोल्ड लेटर्स एंड यू प्लेस देम समवेयर नियर और आप बस उनको ग्लांस करते हैं और आपको नेक्स्ट पॉइंट याद आ जाता है या समझ आ जाता है. लाइक फॉर एग्जांपल आई एम यूजिंग दिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विद यू, आई हैव मेड माय पॉइंट्स और उनको मैं ग्लांस करती हूँ और मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, सो हाउ थिंग्स आर वर्किंग एंड हाउ वी आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, दीज थिंग्स मैटर अलॉट. ये आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं, आपको गाइडेंस मिल जाती है और आप अपने प्रेजेंटेशन में कंफ्यूज नहीं होते, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है. सो व्हेन यू मेकिंग योर प्रेजेंटेशंस फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर योर कंपनी, आप इंडेक्स कार्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, पुट देम क्लोज बाय विद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन देम और ज़रा बड़ी राइटिंग में ताकि आपको वो दूर से नज़र आ जाए, ये ना हो कि आप उसी में से गलत पढ़ दें, प्रेजेंटेशन तो सारी ख़राब हो जाएगी. सो एंड दिस विल हेल्प इनटू मेकिंग योर इंफॉर्मेशन इनटू मॉड्यूल्स और पॉइंट वाइज आप हर चीज़ डिस्कस कर सकेंगे एंड यू विल सी द डिफरेंस.
difference in your confidence level, because there are certain things to help you out. अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास पावर पॉइंट ना हो और मुझे सारी अपनी इंफॉर्मेशन सिर्फ याद करनी पड़े फॉर अ 2 आवर लेक्चर और फॉर अ 3 आवर लेक्चर, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. सो दीज थिंग्स आर विद यू टू हेल्प यू आउट, टू असिस्ट यू, टू बिल्ड अप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, टू कीप यू ऑन द ट्रैक कि एक पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट आना है. आप ट्रैक पे रहते हैं, आप बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं और आपका काम बहुत इजी हो जाता है. इट इज़ अ बिट ऑफ हार्ड वर्क मेकिंग अ प्रेजेंटेशन, बट वंस इट इज़ मेड यू आर थ्रू विद इट. और आप उसको कैसे कंडक्ट करते हैं, आप उसको कैसे इंजॉय करते हैं, आप उसको कैसे पढ़ाते हैं और बताते हैं, लोगों को कन्विंस करते हैं, दैट इज़ अप टू यू. And that is something very, very interesting. So components में चीज़ों को divide करें और small chunks में और clusters में उनको रखें और इसी तरह से आपकी चीज़ें grow करती रहेंगी, information grow करेगी. Cuts. Fourth point, cuts are very, very important. This is one of the hardest part of the process and most often neglected. People's attention will quickly drift. They expect you to get to the point, learn to edit, kill your little darlings. अब क्या करना है, ये सबसे hardest point है. Why? Because आपने बड़ी मेहनत से अपनी presentation बनाई है and you have made it in a complete detail. You have spent your midnight oil, you have burnt it, you are really into the project. You are enjoying the project, you love to work, और उसी लिहाज से आपने अपनी प्रेजेंटेशन कुछ थोड़ी सी डिटेल्ड करती है, उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ गई है विच यू थॉट दैट मे बी इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट आपके जो ऑडियंस है वो बोर हो जाएगा एंड ही विल स्टार्ट थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स. ही विल स्टार्ट लुकिंग एट द वॉच, एट द क्लॉक. He will say के बस बहुत हो गया, मैं बोर हो गया हूँ, अब तो मैं सुन ही नहीं रहा. एंड वर्स, दे आर गोइंग टू शट देयर माइंड्स ऑफ. अब अपने जहन बंद कर लेंगे, कहेंगे ठीक है बोलता रहे. सो यू हैव डन लॉट ऑफ हार्ड वर्क, यू हैव बिन वेरी वेरी केयरफुल इन योर प्रेजेंटेशन, आपने बड़ी डिटेल में बनाई है, यू लव इट, इट इज़ योर डार्लिंग एंड इट इज़ योर प्रोजेक्ट, और आपने उसमें हार्ड अपना स्वेट एंड ब्लड उसमें लगाया है और आप उसके बारे में बड़े एक्साइटेड हैं, बट पीपल आर नॉट. वो आके देखेंगे, वो चेक करेंगे, वो डिटर्मिन करेंगे, वो अपना डिसीजन देके चले जाएंगे. यू आर देयर टू रिसीव इट. सो पीपल्स अटेंशन विल क्विकली ड्रिफ्ट, इसलिए अपनी प्रोजेक्ट को, अपनी प्रेजेंटेशन को ऑर्गेनाइजेशंस में प्रिसाइज रखें. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि आपकी प्रेजेंटेशन का टाइम क्या है, उसको टाइम कर लें. इट इज़ 10 मिनट्स और 20 मिनट्स. सो 20 मिनट्स कैन गिव यू अ लॉट ऑफ मार्जिन एंड यू कैन डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स. 10 मिनट्स में आपको उसको श्रिंक करना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू किल योर little details. So cuts are also very, very important. And ये ज़रूर देख लें कि अगर आपने cuts करने हैं तो कोई important point miss ना हो जाए. That will be a really big problem. So with this, cuts आपके जो हैं वो भी आपको consider करने हैं, कहाँ पर आपने एक बात को ख़त्म करके उसको छोड़ देना है, leave it. And then get to the next point, because people like to discuss things quickly, they come to a decision quickly. Aapki first 2 or 3 slides mein people are going to decide whether you will get this project or not. Aapke heads jo organizations ke hain wo itne hi precise hote hain aur itne hi carefully wo kaam karte hain.
and they have to go for many projects. They have to make many, many decisions. So you have to be careful. उसको देखें, उसको समझें और कट्स ज़रूर जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है उसको ज़रूर काट दीजिए और अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिसाइज बनाएं, विद इन टाइम बनाएं, बिकॉज समथिंग विच फिनिशेस विद इन टाइम यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड एंड द अदर्स आर मेंटली प्रिपेयर्ड टू. वो कार्ड्स पे ही लिखा होता है कि दिस प्रेजेंटेशन विल टेक 20 मिनट्स, सो योर ऑडियंस विल बी प्रिपेयर्ड फॉर 20 मिनट्स. So that is not a problem. You should be finishing in 18 minutes time and they will be happy with it. Aur agar aap bahut jaldi khatam kar denge, even that will also not leave an impact. 20 minutes ki presentation agar 10 minutes pe khatam ho jati hai, that will not leave you anywhere. So manage your time. Within time is good, less time is bad and more time is also bad. To aapko मॉड्यूलर रहना है और केयरफुल रहना है. सो दिस इज़ हाउ यू विल मेक योर प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव, वर्थ वाइल एंड ऑडियंस की अटेंशन मेंटेन्ड रहेगी, बिकॉज उनके भी टाइमिंग्स वही होंगे जो उनके पास मौजूद होंगे कि भाई 20 मिनट्स हमें इसको सुनना है. सो दे विल बी प्रिपेयर्ड मेंटली, या 10 मिनट्स हमने सुनना है तो वो 10 मिनट्स की प्रेजेंटेशन के लिए प्रिपेयर्ड होंगे. उसके बाद वो बोर होना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद वो कहेंगे कि कम टू द पॉइंट एंड वी डोंट हैव मच टाइम. सो दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर. कॉम्पोजिशन. नाउ इट इज टाइम टू डिज़ाइन द वे यू विल टेल योर स्टोरी. आप अपनी कहानी कैसे शुरू करते हैं, हाउ यू स्टार्ट योर प्रोजेक्ट, you thought about it, you made a team, you discussed it with people, new restaurant open karna hai ya chain of restaurant open karna hai, which area, which location, you thought of a lot of things, you discussed it with your family also. So usme thodi si feelings, thode se emotions, thoda sa human touch wo dalna bada zaruri hoga. Think in terms of both written and visual composition. When writing, who are your main characters? आपके main characters क्या हैं, आपके team members हैं. Give their CVs, give their introduction, see how well they do, appreciate them, उनको carefully उनका introduction कराएं और उनकी मेन कैरेक्टर्स क्या हैं, उनके नाम बताइए और फ्रॉम वेयर दे हैव कम, और दे हैव कम फ्रॉम अब्रॉड या लोकल हैं, या दे हैव बीन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सम टाइम, और यू हैव पिक्ड देम फ्रॉम अनदर ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प यू आउट विद द प्रोजेक्ट, और किस तरह से उन्होंने आपको असिस्ट किया, आपको फैसिलिटेट किया और काम जो था वो अच्छी तरह से कंप्लीट हुआ. थिंक इन टर्म्स ऑफ बोथ रिटन एंड विजुअल कॉम्पोजिशन. अब रिटन और विजुअल कॉम्पोजिशंस क्या हैं, आई विल अगेन गिव यू द एग्जांपल ऑफ ब्रोशर, के ब्रोशर की इंट्रोडक्शन है एक नए रेस्टोरेंट की, उसका ब्रोशर उन्होंने बनाया है और वो रेस्टोरेंट का पिक्चर देते हैं, उसका लॉन दिखाते हैं वेयर देर आर फ्लावर्स एंड इट इज़ वेरी नाइसली लोकेटेड, और बड़ा इंटीरियर उसका दिखाते हैं कि उधर पिक्चर्स लगी हुई हैं, डिम लाइट्स हैं, स्पॉट लाइट्स हैं, कलर इज़ वेरी नाइस, वेरी अट्रैक्टिव वॉल्स, किसी पे येलो पेंट है, किसी पे पिंक पेंट है, वेरी चेयरफुल सराउंडिंग्स, वेरी नाइस म्यूज़िक. सो ये सब चीज़ें आप रिटन और विजुअल कॉम्पोजिशंस में दे सकते हैं. यू कैन शो वन ऑफ द डाइनिंग हॉल्स जहाँ पे लाइट अच्छी है और वेयर पीपल आर सिटिंग एंड इंजॉइंग म्यूज़िक, कोई समबडी इज़ प्लेइंग ऑन द पियानो, वो पिक्चर दे सकते हैं. एंड यू राइट अबाउट द देयर मेन्यू and their price range or where it is located, address,
email address for correspondence and telephone numbers for bookings. So ye sari cheeze aapke compositions mein aa jayengi while you are composing, for example, a brochure. Theek hai? How will you set up the scene? Scene kis tarah set up hua hai? What are the goals and conflicts that will develop a conflict? Like for example, already ek restaurant hai wahan pe, us jagah pe, aur bada acha run kar raha hai. To udhar to conflict develop ho jayega, problem ho jayegi. They will try to make their products more attractive. Usko zyada acha karne ki wo koshish karenge. आप अपने प्रोडक्ट्स को डिफरेंटली लेंगे और मे बी वो अपनी प्राइस कम कर दें. सो आपने जो प्राइस रेंज बनाई है वो सफ़र करेगी. सो कॉन्फ्लिक्ट्स मे डेवलप एंड हाउ यू आर गोइंग टू एड्रेस दीज कॉन्फ्लिक्ट्स दीज प्रॉब्लम्स. सो ये सारी चीज़ें आपको आपने वो एड्रेस करनी होती हैं. How will the story reach a resolution? Resolution of the story kya hai? Kis tarah matters resolve honge? Maybe you change the location or maybe you make it in such a different manner ke wo zyada attractive lage. Aur jaise for example, if you're a resident of Islamabad, to blue area ki example main aapko deti hoon ke वहाँ पे एक चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स है. बहुत सारे रेस्टोरेंट्स एक ही लाइन में हैं. सेवर है, वाइट अनियन है, पिज्ज़ा हट है, लसानिया रेस्टोरेंट है, उस्मानिया रेस्टोरेंट है. ये सारे रेस्टोरेंट्स एक ही तरफ हैं. चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, ड्रैगन सिटी है, वैंग फू रेस्टोरेंट है, वो भी चाइनीज़ है. एक होटल भी है फोर सीजन्स. और इस तरह से ये सारे जो हैं वो दे आर ऑल क्लस्टर्ड टुगेदर. देर मे बी अ कॉन्फ्लिक्ट लेकिन वो दे आर रनिंग, दे आर वेरी मच इनटू बिजनेस. जिसको चाइनीज़ खाना है वो चाइनीज़ में चला जाता है, जिसको कॉन्टिनेंटल खाना है उसको वो वहाँ चला जाता है, जिसको पाकिस्तानी फूड चाहिए हलीम घर भी है. सो ऑल दीज थिंग्स डू मैटर and they are there for you. Or conflicting you know scenarios aa jaate hain but you can deal with them. Or unme kafi aapki jo aspects hain wo cover bhi ho jaate hain. You take a chance in business aur wo business aapka jo hai wo successful bhi ho sakta hai aur drop down bhi kar sakta hai. It depends on your luck and all those things. Okay. In visual terms, where will the reader begin? How will you lead the eye around the page? In all your compositional thinking, just say for example brochure. अब उसमें सबसे attractive क्या चीज़ होनी चाहिए? Discount. अब discount पे ना सबसे पहले आपके audience की नज़र पड़ेगी, reader की नज़र पड़ेगी. So आई कैचिंग हो जाएगा. ओके दे आर गिविंग अ डिस्काउंट, वेरी इंटरेस्टिंग, कम पैसों में हमें अच्छी चीज़ मिल जाएगी. इन ऑल योर कॉम्पोजिशनल थिंकिंग हाउ विल यू एंगेज योर ऑडियंस, हाउ विल यू कीप देम एंगेज्ड एंड राइटिंग इट डाउन फोर्सेस यू टू थिंक इट थ्रू. नाउ राइट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर ऑल दीज थिंग्स which ever you think is a considerable question coming to your mind, and what are your audience going to think, and when you again when you're thinking according to what they are thinking, to aapki jo cheeze hain wo zyada clear hoti jayengi because you are in their shoes, you are in your potential buyer or customer's shoes. So you will consider these things more important and more appropriate. So you will formulate a brochure in such a manner that it is appreciated, it is eye catching, it is colorful, it is it has all the information, written parts bhi uske sare maujood hain, and you are also happy with the whole situation.
सो कॉम्पोजिशन वी डिस्कस्ड और इसमें हमने ये देखा कि हाउ आई गेव यू एन एग्जांपल ऑफ ब्रोशर्स मेकिंग देम अट्रैक्टिव और इंफॉर्मेटिव एंड थिंकिंग फ्रॉम योर ऑडियंसेस पॉइंट ऑफ व्यू. द सिक्स्थ पॉइंट इज कॉन्ट्रास्ट. नाउ कॉन्ट्रास्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस डिजाइनिंग एंड इन फॉर्मुलेटिंग योर प्रेजेंटेशंस बिकॉज कॉन्ट्रास्ट गिव्स अ कंपैरिजन. White and black, fair and unfair, all these things are a contrast and they build an image in your mind. What are the differences that matter? Use contrast to highlight them. Like for example, you must have seen in advertisements before and after. So these are the contrasts, that a person was fat and when he used these products he became slim. So these are the contrasts that are coming in our visual comprehension, and we also get convinced that yes, this product might work for us. So contrasting is also very important. Another example is hair fall. Like there are two kind of pictures which are there, before and after. Before is a person who's worried about his hair, and the after is that he, after using this product, he became he got hair on his head and he was very happy and he developed his good personality. So contrasting in colors, in management, in your scenes around you is very, very necessary, and it opens up the mind of your reader. आपके रीडर को एक कॉन्ट्रास्ट अगर मिलेगा तो वो उससे बड़ा खुश हो जाएगा, बड़ा क्लियर उसको एक विजन मिल जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल आप मेडिसिंस यूज़ करते हैं और आपको उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है और एक दूसरे शख्स को उससे इफ़ेक्ट हो रहा है, तो दैट इज़ अ कॉन्ट्रास्ट. You can say that maybe I'm not using it in a proper manner, or maybe this is the trouble which is coming to me. So जब तक आपको comparison नहीं आएगा, आपको चीज़ें clear नहीं होती हैं. Another example is the colors that you wear. अब आप mirror में देखते हैं कि मुझे pink color suit कर रहा है. On the other hand, जब आप येलो कलर पहनते हैं तो आप इतने अच्छे नहीं लगते. That becomes a contrast for you. That becomes a comparison for you. और फिर आप ज़्यादातर उन शेड्स की तरफ जाते हैं जो पिंक से रिलेटेड होते हैं. So you have changed your lifestyle, you have changed your wardrobe, you have changed the way you dress up. कुछ लोगों को साड़ी सूट करती है तो वो पहनते हैं. कुछ लोगों को शलवार कमीज सूट करता है, वो उस तरह से पहनते हैं. कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्टिंग वुड डिवेलप अ गुड इनसाइट इनटू द पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल. इट विल एनहांस योर आउटलुक एंड इट विल कन्विंस योर रीडर टू गो फॉर अ सर्टन प्रोडक्ट. बिग वर्सेस लिटिल, रफ वर्सेस स्मूथ, ब्लैक वर्सेस वाइट, इस तरह से आप अपने कॉन्ट्रास्ट और कंपैरिजन्स दे सकते हैं. व्हेन मेकिंग एनी पॉइंट आस्क इन कंपैरिजन विद व्हाट. जैसे मैं आपको एग्जांपल्स देती रहती हूँ कि कंपेयर करें या कंट्रास्ट करें कि एक सिचुएशन है उसमें आप क्या करेंगे. अभी लास्ट टाइम हमने एक केस स्टडी डिस्कस की जिसमें कि दो कंट्रास्टिंग कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर्स थे, लिंडल एंड डेबी. लिंडल जो थी वो वाज अ कंप्लीट कंट्रास्ट टू जॉफ स्मिथर जो कि मैनेजर था और जो सब लोगों से बड़ा अच्छी तरह बात करता था. और लिंडल जो थी वो अपने कंप्यूटर पे फोकस्ड रहती थी ज़्यादा. तो ये कंट्रास्ट, एक कंट्रास्टिंग सिचुएशन थी and how things worked out and how things happened. So they all created a scenario in the organization, and a day came when Geoff had to put his foot down and give them the task
that needed to be done. So contrasting situations aapko aapke verbals non-verbals change karne pe bhi majboor karti hain aur aapko aap cheezon ko appreciate bhi karte hain and people do get convinced. For example, bahut sare type of shampoos hain. It is up to you ki aap kaun sa use karte hain in comparison to the other one. Koi ek aapka shampoo hai jo aapko suit kar jata hai, aap usi ki taraf jate hain. As a contrast, aap dusra shampoo try karte hain, wo aapko suit nahi karta, so aap usse hat jate hain, you don't use that product. So again, contrast plays a very very important role in your presentations. ज़रूर बताएं कि लास्ट टाइम ऑर्गेनाइजेशन ने इतना प्रॉफिट किया, दिस टाइम ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्रॉफिट किया, लास्ट टाइम वी हैड दीज पीपल ऑन बोर्ड एज इन अ प्रोजेक्ट, दिस टाइम वी हैव दीज पीपल हु आर मोर एफिशिएंट या दे हैव बीन taken their expertise are known all over the world. इस तरह से comparison and contrasting में आप अपनी presentation या अपने topic को weightage दे सकेंगे. It will carry a lot of heaviness. Contrast also will be on आप एक building किस area में बनाना चाहते हैं और दूसरी building किस एरिया में बनाना चाहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल रेजिडेंशियल एरिया में आप एक इंडस्ट्री नहीं बनाएंगे, इट विल चेंज द आउटलुक ऑफ एवरीथिंग. सो दीज थिंग्स डू मैटर. एक रेस्टोरेंट, छोटा सा रेस्टोरेंट किसी जगह पे खुला हुआ आपको अच्छा लगेगा, इट विल गिव अ गुड आउटलुक इन अमंग रेजिडेंशियल एरिया ऑल्सो. तो मार्केट प्लेसेस में क्या चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें कंपैरिजन एंड कंट्रास्टिंग से आपको आएगी और आपने इसको समझना है, इसको केयरफुली आपने डिज़ाइन करना है इन सब चीज़ों को, और आपका जो प्रेजेंटेशन है इट शुड हैव अ लॉट ऑफ रूम फॉर कंट्रास्टिंग, फॉर कंपैरिजन, for showing black and white, showing right and wrong. और उसी तरह से हमारे डेली लाइफ के डिसीजंस भी होते हैं कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है. सो वो भी तो एक कॉन्ट्रास्ट है कि मैंने ये शख्स जो है ये अच्छा काम कर रहा है और वो शख्स जो है वो सही काम नहीं कर रहा, दैट इज़ ऑल्सो कॉन्ट्रास्ट. वेन मेकिंग एनी पॉइंट आस्क इन कंपेरिजन विद वॉट. Contrast is a trigger to the brain that says pay attention. So contrasting is important because it tells your customers and your audience that they should pay attention to you. Well, it is an important aspect. Again, we come to the next one. The last C is consistency. Unless you are highlighting differences, keep things like color, font, spacing and type sizes consistent to avoid distracting people. Now if you're making a presentation, you should have keep in mind that consistency is very very important because that will keep the people on track. And unless you are highlighting a different point, don't change the color or the font or the spacing around it. That will create confusion in the person's mind who is looking at the presentation. Like for example here, while I am talking to you, while I am delivering my lecture to you, I try to keep my presentation very consistent because then people stay on stay focused on what is being said and it will be avoiding a distraction.
Research shows that any extraneous information will detract from people's ability to assimilate and learn. Extraneous information, meaning too intense information, बहुत ज़्यादा technical words use हुए हुए या technical jargons use हुए हुए, very extraneous, very mind affecting, कि आपको वो presentation देख के सोचना पड़े, बड़ा ज़हन पे ज़ोर देना पड़े, तो वो आपको strain करता है, and then people are unable to assimilate and learn. So if I make my lectures very intense or too much full of information, that will become a trouble for you for learning and assimilating and compiling. So your presentation should be such which is very, very clear, easy words are used in it, consistency of form is there, your font size, your colors, and your spacing, all these things are very, very systematic, and then the presentation will look very clear, very neat, and small points at small intervals. So you give intervals also, so that information is not detracted और disregarded, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपकी information जो है वो too much हो कि वो उसको लोग grasp ना कर सकें. And why do we give a recap? Recap का word क्यों use किया जाता है? Because recap shows that we are recalling the previous incident or lecture or the project or assignment या जो भी चीज़ है, उसको हम recall कर रहे हैं, and then we are continuing forward. So वो आपको brain stimulant भी होता है, और and you come on the right track also के yes we remember we studied this thing last time, so let's continue further. वो चीज़ आपके mind में fresh भी हो जाती है, आपको वो अच्छी भी लगती है, and उसमें continuation भी आ जाती है, and that is what consistency means. So don't detract people, और उनको एक comfort level पे लाएं, so that they like your presentation, and the organization appreciates you, your project goes well, your CEOs and your seniors like the presentation, they enjoy it, and they get the information also. So all these things need to be kept in mind in communication design. Some image building words, we talked about them earlier, and image building words should be used for your presentations, which are very, very necessary, because any product which does not build an image in your mind will not be attractive for the customer and the clients. Like for example, Head and Shoulders. It is an image building word for a product showing that it is taking care of your hair. So that is why it is known as Head and Shoulders. Very attractive, very precise, and a very small caption for the shampoos which are being used, and they give a complete picture of what the product is all about. Again, second is Sunsilk shampoos. Now you see shiny, sunny, bright, all these things come in your mind when you think of Sunsilk, because the sun is a brighter object, and it gives sunshine, it makes things bright. So the Sunsilk shampoo, and silk again is smooth and very soft. So these two qualities will be in your hair if you use this shampoo. So see the thought behind the word, and it built an image into your mind that yes, this product will be suitable for me, and you go ahead and buy it just because
the name has been attractive enough for you. Then again, cherry blossom is another example. Cherries are very shiny, you know, berries, which are which is a fruit, and they are in blossom. So when they bloom, they are very beautiful and very shiny. And this is they have named a shoe polish after this name. So there is an attraction in it. It is these cherries are black, dark in color, and they're very shiny. So the shoe polish is also giving the same characteristics of a shiny, shining your shoes and making them very, very, you know, eye-catching. So these words always build a kind of an image, and it's very thoughtful of people, you know, for these companies, for these organizations, to think of these words. It's very innovative. Again, a very common word, a very common cream that you use, Fair and Lovely. It says all that you will be fair and you will be looking lovely also. So again, this thing will create an image in the minds of you know, young girls and young ladies, and they can go forward and use this product, and they can experience the effect it has. Then we have Pizza Hut. You see, the image of the restaurant is that it is going to serve pizzas because it is named as Pizza Hut. So again, this has built an image in our mind. Then Roo Afza, this is a drink, and you see it affects the soul of the individual. It pacifies you, and it cares for the individual's inner needs. So another example is Energil, gives you energy, boosts your morale. It comes in variety of taste. So you see, the company is taking care of the needs of the customers. Sparkle toothpaste. Now sparkle, the word itself says that something shiny, something very bright, and how it is, you know, how it should be used, and your teeth are going to be as shiny, and they're going to sparkle. They will be brighter, they will be white. So all these images are being built with the wordings that these companies have used. Surf Excel, surf, which is excel, excellent, excelling in its work, giving excellent results. So again, surf itself is the foam that comes up on the seashores with the waves hitting each other. So that is that image has been taken, that it's surf, and it is excel, it is excellent in its work. Bright Total is also a detergent, which is bright, makes your you know, clothes very bright and totally, you know, clean. So Bright Total. Lemon Max, is your washing liquids which have the fragrance of lemon. Maximum you know, results it is giving. So imagine that how intelligently these words have been incorporated in our lives. Aur hum bade aaram se keh dete hain ki ji, I'm using Lemon Max, Surf Excel we are using, because it has been ingrained into us. Aur bar bar advertisements and, you know, recaps hame dekar hame ye bataya jata hai, aur hamare liye ye interesting cheez jo hai wo calculate ki jati hai. Care Honey Lotion, which is also very, very, you know, important. Ke, care hai, usme honey bhi hai, aur wo ek lotion bhi hai. So again, it takes care of your skin. It makes you look good, and all these things. Tang, Tang ka ek apna flavor hai, wo drink hai, aur usme Tang kya hai? Tang means thoda si
खटास, थोड़ा सा खट्टा होना, तो वो उसमें टैंग है, सो द वर्ड टैंग. सर्विस शूज, हम लोग सब सर्विस शूज बड़े उससे पहनते हैं, बहुत पुरानी कंपनी है और बहुत पॉपुलर है. एंड सर्विस, गिविंग सर्विस टू पीपल, सर्विंग देम, मेकिंग देयर फीट कंफर्टेबल, मेकिंग देम एंजॉय देयर देयर लाइफ. डिफरेंट काइंड ऑफ जॉगर्स हैं, होम वेयर है, फॉर्मल वेयर है, इनफॉर्मल वेयर है, ऑल दीज थिंग्स. सो वेरी इंटेलिजेंटली इमेज बिल्डिंग वर्ड्स हैव बीन पुट टुगेदर. एंड आई वुड अप्रिशिएट इफ यू थिंक ऑफ मोर, और हमें आप रिकैप दें और अपने व्यूज दें और लुक अराउंड यू एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ इमेज बिल्डिंग वर्ड्स इन द प्रोडक्ट्स दैट यू यूज एंड अमेजिंगली यू नेवर थॉट अबाउट इट. सो अब इसके बारे में सोचें, देखें और इसको इंजॉय करें और इसको बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें. दे विल ऑल्सो फाइंड इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट वी मस्ट रियलाइज दैट वी आर ऑल डिफरेंट इन द वे वी परसीव द वर्ल्ड एंड यूज दिस अंडरस्टैंडिंग एज अ गाइड टू आर कम्युनिकेशन विद अदर्स. एंथनी रॉबिन्स सेड दिस, और ये बहुत इफेक्टिव और बहुत अच्छी एक वर्डिंग्स हैं इनकी. बिकॉज ही सेज दैट एवरी पर्सन discusses things in a different manner, perceives things in a different manner. You remember we discussed psychological aspects of communication also. So they're thinking differently and their understanding is different. It is we who will be able to guide them, to talk to them in such a manner that they are convinced about our viewpoint without getting offended. Without getting upset, without getting angry, they should realize that yes, the other person, whatever he is saying, is also correct. He also has a point of view, which should also be understood, which should also be considered. And perceiving the world in different manner will be a guide to our communication with others. So let them think whatever they are thinking. Their thoughts are also valuable, and you can consider them, you should consider them, and then come up to a decision which is acceptable by them and acceptable by you also. So mutual understanding, mutual communication with each other is the soul, is the key to good communication. And I think it can be very easily practiced if we have a little patience with the dealings that we have amongst each other, apne colleagues, apne friends, apne relatives, sabke saath hi good communication level develop hota hai with the keyword patience. Project ek hai, ye main aapko samjha deti hoon. And this project will be evaluated at the end of the lectures, या जिस तरह से भी ये चीज़ पोट्रे हुई वो हम आपको, मैं इस वक्त आपको एक गाइडलाइन दे देती हूँ एंड देन वी विल सी वॉट वी कैन डू अबाउट इट. इट इज़ इन ग्रुप्स ऑफ 4 to 5 स्टूडेंट्स, टोटल मार्क्स आर 15 एंड रिपोर्ट जो आप बनाएंगे उसके मार्क्स हैं 5 एंड इंडिविजुअल प्रेजेंटेशंस आर 10 इन विच योर इंडिविजुअल प्रेजेंटेशंस कैन कम टू द असेसर्स in the form of a DVD or video conferencing, and then we can go about giving you marks on this project. Final report contents kya hai? There is a title page, dedication, acknowledgement. You can see all these in any textbook even which you pick up. के कंटेंट पेज होता है, एक्नॉलेजमेंट भी होती है, टाइटल पेज भी बना हुआ होता है. सो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ अ रिपोर्ट. सो फाइनल रिपोर्ट आपकी इस तरह से होगी. इट विल गिव अ टेबल ऑफ कंटेंट, इट विल गिव एन इंट्रोडक्शन एंड द प्रोजेक्ट इज अ क्रिटिकल व्यू ऑफ अ बैड एडवर्टाइजमेंट अकॉर्डिंग टू द 7 C's. सो यू विल सी, यू विल चूज अ बैड एडवर्टाइजमेंट एंड यू विल
highlight the capacity where the seven C's are lacking and which seven C's have been used, and you will give improvements and suggestions also how the bad advertisement can be improved. Then critical view of a good advertisement will also be given, because that is a contrast which we just studied, and the contrast was that a good and bad. Ye contrast aapki final report mein aa jayega in written form, that you have seen a good advertisement and the seven C's, how many seven C's were included in it, what was lacking behind, and then you will also give improvements and suggestions for a good advertisement as well. Then you will give your recommendations, and references will be there. If you have taken information from the internet, the reference can be there. If you've taken information from some book, that reference should be there. And please remember that referencing would be in the form of alphabetical order, like starting from A, B, C, and D. So your alphabetical order will be maintained whenever you are writing any kind of reference for any report, any book, any project, and any assignment. So I hope this final project is clear to you, and we learned about the different kind of seven C's and how they can be put together to make effective good presentations. I hope you have understood everything. Thank you very much. This was the end of our lecture. Allah Hafiz.